हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और केस कंट्रोल स्ट्रक्चर की, उसमें गो टू स्टेटमेंट। तो देखिए, गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, वेदर इट इज़ बेनिफिशियल, अप टू व्हाट एक्सटेंट, ये सारी बातें आज हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट वी राइट दे गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या होता है कि पहली बात तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ गो टू स्टेटमेंट, फिर भी कि गो टू स्टेटमेंट को प्रोग्राम में यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्यों अवॉइड करना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि इससे क्या होता है कि देर इज ए सेल्डम एंड लेजिटिमेट रीज़न फॉर यूजिंग गो टू, and its use is one of the reasons that programs become unreliable, unreadable and hard to debug. इस वजह से, क्योंकि go to statement use करने से program क्या हो जाता है, program आपका unreliable हो जाता है, unreadable हो जाता है and it is very hard to debug. लेकिन फिर भी कुछ programmer या कुछ users जो है अपने program में go to statement का use करते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन ए डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग सिचुएशन इट सीम्स सो इजी टू यूज़ ए गो टू टेक द कंट्रोल वेयर यू वांट टू। हाउएवर, ऑलमोस्ट ऑलवेज देर इज़ ए मोर एलिगेंट वे ऑफ राइटिंग द सेम प्रोग्राम यूजिंग इफ, फॉर, व्हाइल एंड स्विच स्टेटमेंट। दीज कंस्ट्रक्ट्स आर फार मोर लॉजिकल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो कई बार क्या होता है, प्रोग्राम बनाते टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो वहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन यही काम हम ज़्यादा बेहतर ढंग से चाहे इफ स्टेटमेंट यूज़ करके भी कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज़ करके कर सकते हैं, व्हाइल लूप भी यूज़ करके कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो जनरली इनको प्रिफर किया जाता है इन प्लेस ऑफ गो टू स्टेटमेंट, फिर भी कुछ जगहों पे गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू यूज गो टू स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है कि ए गो टू स्टेटमेंट कैन कॉज प्रोग्राम कंट्रोल टू एंड अप ऑलमोस्ट एनी वेयर इन द प्रोग्राम फॉर रीजंस दैट आर ऑफन हार्ड टू अनरेवल। मतलब गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है कि सॉरी प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो कहीं पे भी ले जाके आप एंड कर देते हैं, और वहाँ पे जाके क्यों एंड किया इस रीज़न को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको अभी गो टू स्टेटमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ कि गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए प्रोग्रामिंग में, उसी काम को इन सब से कर लेना चाहिए, इफ से, फॉर से, व्हाइल से या स्विच से, लेकिन गो टू स्टेटमेंट को यूज करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि एटलीस्ट आपको गो टू स्टेटमेंट पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कहा कि कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज कीजिए हमने लिखा मेन, ठीक है, और हमने यहाँ डिक्लेयर किया कोई वेरिएबल गोल्स। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, एंटर द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड अगेंस्ट आवर टीम। तो यहाँ हमने लिखा प्रिंट एफ, या हमने केवल लिखा एंटर द नंबर ऑफ गोल, किसी टीम ने कितना गोल किया है ये हमने एंटर किया, और इसकी वैल्यू हमने स्कैन एफ करा दिया, परसेंटेज डी चूंकि ये इंटीजर टाइप है, कॉमा एम परसेंट और गोल्स में। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंडीशन दी कि इफ गोल्स इज लेस देन 5, अगर जो गोल हुए हैं इफ गोल्स इज लेस देन इक्वल टू 5 तो क्या करें। हमने कहा गो टू, यहाँ हमने गो टू स्टेटमेंट दिया, देखिए गो टू और कोई भी हमने स्टेटमेंट बनाया हुआ, कोई पैराग्राफ बनाया हुआ, गो टू हमने लिख दिया यहाँ पे P1 और
इस तरह एल्स, तो मान लीजिए अगर 5 से कम नहीं है तो यहाँ हमने लिखा एल्स, और एल्स में हमने लिख दिया प्रिंट एफ, ठीक है, तो प्रिंट एफ में हमने लिख दिया नंबर ऑफ गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स इज लेस देन 5, ये हमने लिख दिया, और यहां हमने लिख दिया एग्जिट, मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये जो हमने गो टू पी वन लिखा है, तो इस पी वन, ये एक पैराग्राफ है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, तो ये लेवल का नाम है पी वन, ठीक। तो यहाँ हमने एक पी वन लेवल डिफाइन किया, ये देखिए पी वन लिखा हमने ऐसे, और इसके अंदर हमने लिख दिया प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया गुड नंबर ऑफ गोल्स डन, और ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कर दिया, यहाँ पे मेन की बॉडी बंद कर दी। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा, इसको आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होगा कि जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे, तो जब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर गोल्स एंटर द नंबर ऑफ गोल, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर द नंबर ऑफ गोल्स, मान लीजिए हमने एंटर किया 4, तो क्या होगा यहाँ पे चेक करेगा इफ गोल्स इज लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या है लेस देन 5 है, तो क्या होगा पी वन पे जाएंगे, तो पी वन पे आएगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा गुड नंबर ऑफ गोल्स डन, तो गुड नंबर ऑफ गोल्स डन, और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 की जगह पे यहाँ पे हमने एंटर किया से 7, तो क्या होगा ये एल्स स्टेटमेंट में आएगा नंबर ऑफ गोल्स इज लेस देन 5 एग्जिट, ठीक है, तो नंबर ऑफ गोल्स, बल्कि यहाँ पे लेस देन जो है लॉजिकली गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे इज मोर देन 5 हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ गोल्स इज मोर देन 5, इज मोर देन 5, तो अब जब हम 7 एंटर करेंगे तो यहाँ से कंट्रोल एल्स में आएगा नंबर ऑफ गोल्स इज मोर देन 5, तो ये लिखा हुआ आएगा नंबर ऑफ गोल्स इज मोर देन 5 और एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो जब आप नंबर ऑफ गोल्स 5 से कम देंगे तो ये यहाँ पे कंट्रोल आएगा, ये लाइन प्रिंट होगी, और इसके 5 से ज़्यादा देंगे तो ये लाइन प्रिंट होगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है गो टू स्टेटमेंट के प्रोग्राम में, वो ये है कि इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड द गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल टू द लेवल पी वन causing printf following p1 to be executed, ठीक, the label can be on a separate line, तो देखिए ये जो p1 हमने डिफाइन किया है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लेबल, तो जो लेबल है the label can be on a separate line or on the same line as the statement following it as in, तो लेबल आप इस तरह डिफाइन करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ p1 डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए P1 डिफाइन किया है, और जो स्टेटमेंट्स है आप चाहे तो इसी लाइन में भी दे सकते थे और चाहे तो आप नेक्स्ट लाइन में भी यहाँ दे सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या है, एनी नंबर ऑफ गो टूज कैन टेक द कंट्रोल टू द सेम लेवल, ठीक है, मतलब जैसे आपने गो टू P1 यहाँ किया है, फिर आपको जरूरत पड़ी गो टू P1 करने की, तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक गो टू स्टेटमेंट से एक ही लेवल पे प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा। अब उसके बाद हमने एक फंक्शन ये यूज किया एग्जिट, तो देखिए एग्जिट से क्या होगा कि द एग्जिट फंक्शन इज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन विच टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, इट इज नेसेसरी टू यूज दिस फंक्शन सिंस वी डोंट वांट द स्टेटमेंट, तो एग्जिट स्टेटमेंट क्या है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है और ये क्या करता है, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है, तो इसलिए इसका यहाँ यूज करना जरूरी है इफ वी डोंट वांट द स्टेटमेंट, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, इफ वी डोंट वांट द स्टेटमेंट, ये प्रिंट एफ जो हमने लिखा है गुड नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ गोल्स इज मोर देन 5 टू गेट एग्जीक्यूटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्स ब्लॉक, ठीक। अब इसमें क्या है कि जो मेन एक बड़ी प्रॉब्लम है गो टू स्टेटमेंट में, वो ये है
big problem with go-tos is that when we do use them, we can never be sure how we got to a certain point in our code. They obscure the flow of control, so as far as possible, skip them. You can always get the job done without them. तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि go to स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए यूज करने से. उसी काम को आप दूसरे स्टेटमेंट से कर लीजिए, और फिर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही केयरफुली go to स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए. अब उसके बाद क्या होता है कि द ऑनली प्रोग्रामिंग सिचुएशन इन फेवर ऑफ यूजिंग गो टू इज वेन वी वॉन्ट टू टेक द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप विच इज कंटेंड इन सेवरल अदर लूप्स. ठीक है, गो टू स्टेटमेंट देखिए केवल एक ही सिचुएशन में यूजफुल होता है, जब हम प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर ले जाना चाहें, विच इज कंटेंड इन सेवरल अदर लूप्स. जब कई लूप के अंदर प्रोग्राम का कंट्रोल है और वहां से हम बाहर ले जाना चाहें, तो वहां पे आप गो टू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. इसका हम एक आपको एग्जाम्पल लिख के बताते हैं. से हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल जहां पे आप गो टू स्टेटमेंट यूज करना फायदेमंद होगा. जैसे हमने लिखा यहाँ पे से मेन, ठीक है, फिर हमने डिक्लेयर किया यहाँ तीन वेरिएबल इंटीजर आई जे के. फिर हमने यहाँ पे देखिए पहला लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल टू 3 आई प्लस प्लस, ये किया हमने. फिर इसके बाद हमने लिखा फॉर जे इक्वल टू 1 जे इज लेस देन इक्वल टू 3, और फिर हमने लिखा जे प्लस प्लस, तो आई के अंदर जे चला दिया हमने और फिर जे के अंदर हम के चला देते हैं. तो फिर हमने यहाँ पे लिखा फॉर के इज इक्वल टू 1 के इज लेस देन इक्वल टू 3 और के प्लस प्लस, तो आई के अंदर जे के अंदर के का लूप हुआ. और के लूप पे हमने क्या दिया है, यहाँ हमने दिया इफ आई इक्वल टू 3, फिर एंड ऑपरेटर यूज किया हमने, फिर हमने कहा जे इक्वल टू 3, फिर एंड ऑपरेटर यूज किया हमने, और फिर हमने कहा के इक्वल टू 3. यानी आई और जे और के अगर तीनों की वैल्यू 3 है तो हमने कहा गो टू, यहां हमने एक लेबल बनाया आउट. ठीक, एल्स हमने प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ आई जे के की वैल्यू प्रिंट कर दी. तो हमने कहा परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी और आई जे के. ठीक, अब देखिए पहले फॉर का लूप ये बंद किया हमने, दूसरे का ये किया, तीसरे का ये किया, तीनों लूप बंद हो गए फॉर के. तब यहाँ पे जो हमने लेबल डिफाइन किया है आउट, वो हमने यहाँ डिफाइन किया आउट कॉलम, और इसमें जो भी स्टेटमेंट हमने स्टेटमेंट दे दिया, सपोज कीजिए प्रिंट एफ आउट ऑफ द लूप एट लास्ट, तो हमने लिख दिया आउट ऑफ द लूप, लूप से हम बाहर आ गए फाइनली एट लास्ट. ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया और यहाँ पे जाके ये मेन की बॉडी बंद हुई इस तरह. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पे गो टू आपके लिए फायदेमंद है. ठीक है, हालांकि इस प्रोग्राम को आप विदाउट गो टू भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह जब लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, मतलब यहाँ पे क्या है आई का लूप है, उसके अंदर जे का लूप है, उसके अंदर के का लूप है, और आप प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पे है, यहाँ से आपको सीधा बाहर आना है. तो यहाँ पे गो टू हमने ये लेबल का नाम दे दिया और लेबल है यहाँ इन तीनों के बाहर. तो प्रोग्राम को जैसे ही आई इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 आई जे के तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी. ठीक, और जब तक डिफरेंट रहेगा, मान लीजिए आई 1 है जे 1 है के 2 है, ऐसे फिर हमने कहा 1 2 3 है, फिर हमने कहा 3 2, कुछ भी, जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक ये वैल्यूज प्रिंट होती रहेगी और लूप चलता रहेगा.
तो इस तरह की सिचुएशन में गो टू स्टेटमेंट आपके लिए यूजफुल हो सकता है, अदरवाइज गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गो टू स्टेटमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।